नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में वारिस हॉस्पिटल का पंजीकरण लंबित होने के बाद भी चल रहा अस्पताल, डीएमसी की शिकायत। वारिस हॉस्पिटल बेगमपुरवा मानक के विपरीत बगैर डिग्री वाले झोलाछाप डॉक्टर नाजिम अली द्वारा संचालित किया जा रहा था। उपरोक्त नर्सिंग होम में दर्जनों से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। इसका उदाहरण है कि हंसपुरम आवास विकास निवासी हजरत की 16 वर्षीय पुत्री अलीशा की विगत 2019 में गलत इंजेक्शन व दवा से मौत हो गई थी। तमाम शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जनता दल सेक्युलर के नेता हामिद हुसैन ने सीएमओ कानपुर नगर से लेकर महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को ज्ञापन व प्रार्थना पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर डीजी स्वास्थ्य विभाग ने 3 सदस्य कमेटी का गठन करते हुए जांच कराई। मानक के विपरीत पाए जाने पर नर्सिंग होम का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया। दिनांक 15 सितंबर 2022 को लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। डीएम ने जब नेताओं की पूरी बात सुनने के बाद नोडल अधिकारी सुबोध प्रकाश को मोबाइल फोन से अस्पताल का पंजीकरण निरस्त होने की जानकारी देते हुए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। डीएम साहब से मिलने वालों में हामिद हुसैन, मोहम्मद अनीस, बबीता वर्मा, राजू इत्तेदार, रिजवी आई आदि लोग शामिल थे। कानपुर संवाददाता दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। आपका क्या मामला है? वारिस हॉस्पिटल में मेरी बहन भर्ती थी, जिससे उसको गलत इंजेक्शन लगाने पर उसकी मौत हो गई और सारे आला अधिकारी फंस गए, जिससे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाथ से आपसे गिनती करते हैं कि मेरी सुनवाई करी जाए।